हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहसा क्लासेस। हमने पिछले क्लास में देख चुका है कि प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ सेल ऑर्गेनेल्स। आइए इस क्लास में हम लोग कुछ और भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं प्रोकैरियोटिक के, जो देखते हैं। पहला है फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर की तरफ दिखने को मिलता है, इसको हम लोग फिम्ब्रियाई बोलते हैं। और यह फिम्ब्रियाई हेल्प करता है दैट हेल्प इन एडहीशन हेल्प इन एडहीशन, इसी को हम लोग फिम्ब्रियाई कहते हैं। एडहीशन क्या होता है, मतलब किसी चीज से चिपकना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये फिम्ब्रियाई है। फिम्ब्रियाई जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, न्यूमेरस मात्रा में पाया जाता है किसी सेल में, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में फिम्ब्रियाई पाया जाता है। और अगर हम लोग पाइलाई की बात करें, सेक्स पाइलाई, तो सेक्स पाइलाई जो है वो थोड़ा फिम्ब्रियाई से बड़ा होता है पाइलाई। और पाइलाई जो है बहुत ही रेयर होता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है। फिम्ब्रियाई, पाइलाई, और तीसरा है फ्लैजिला। फ्लैजिला लॉन्ग वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं। फ्लैजिला जो है लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजिला जो है, आइए हम लोग देखते हैं कि कौन किस चीज से बना होता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। फिम्ब्रिलिन प्रोटीन से बना होता है, और पाइलाई पाइलिन प्रोटीन से बना होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। यह जो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, यह जो देख रहे हैं ये पूरा फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर में ये, इसको फिलामेंट बोलते हैं, इसको हम लोग हुक बोलते हैं, और इसको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं, और इसको हम लोग बेस बोलते हैं। शाफ्ट इसको बोलते हैं और इसे बेस बोला जाता है। तो यही है फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है। तो ये देख रहे हैं हम दो फिगर, आपको दिख रहा है ये दोनों बैक्टीरिया के फिगर हैं। इसमें ये सेल वॉल है और ये एडिशनल लेयर है, ये देख रहे हैं। इसमें मोटा
सेल वॉल है, इसमें देख रहे होंगे ये पतला, तो इसको ये फिगर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, ग्राम स्टेन बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, और ये फिगर है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का, ये हो गया पॉजिटिव, ये निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वैसे बैक्टीरिया को बोलते हैं जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में भाग लेता है, जैसे लिखेंगे द सेल विच द सेल विच टेक द ग्राम स्टेनिंग इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और द सेल विच डू नॉट टेक द ग्राम स्टेनिंग इज कॉल्ड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो यही है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब हम लोग आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल मोटा होता है, इसके लिखेंगे थिक सेल वॉल, और इसका पतला होता है तो थिन सेल वॉल। इसका सेल वॉल पर्पल इन कलर होता है, पर्पल इन कलर, और इसका पिंकिश इन कलर। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मोर पेप्टिडोग्लाइकन होता है, इसके पास इट हैज मोर पेप्टिडो ग्लाइकन, और इसमें लिखेंगे इट हैज लेस पेप्टिडो ग्लाइकन। इसमें जो है अगर मोर पेप्टिडोग्लाइकन होता है तो जाहिर सी बात है पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर मोटा होगा, पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर इज थिक, इसमें पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर इज थिन, और इसके पास एडिशनल ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के पास एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन होता है, इट हैज एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन, इसके पास एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन होता है, और यह आउटर मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड कर दीजिए, और यह आउटर मेम्ब्रेन जो है फॉस्फो लिपिड एंड लिपोपॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, लिपो पॉली सेक्राइड्स का बना होता है। अब आते हैं कि यह कैसा होता है।
क्योंकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में एडिशनल लेयर होता है लिपोपॉलीसेक्राइड्स का, इसीलिए यह जो है मोर डेंजरस होता है। दिस इज मोर डेंजरस एंड दिस इज पैथोजेनिक, और यह जो है लेस डेंजरस होता है, इसमें एडिशनल मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, इसीलिए दिस इज लेस डेंजरस और यह जो है नॉन पैथोजेनिक होता है। दिस इज नॉन पैथोजेनिक। तो यही था पूरा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के में डिफरेंस। अब आइए देखते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है, यह टेक्निक दिया गया है ग्राम क्रिस्टीन ग्राम के द्वारा। ग्राम क्रिस्टीन ग्राम के द्वारा दिया गया यह टेक्निक है, और इस टेक्निक में दो स्टेप होते हैं, और इसी टेक्निक के द्वारा पता चलता है कि कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन से बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव है। तो आइए पहला स्टेप देखते हैं। स्टेप वन है कि बैक्टीरिया आर, तो स्टेप वन में है कि बैक्टीरिया आर वॉश्ड विद डी कलराइजिंग सॉल्यूशन आफ्टर बीइंग डाइड विद क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट्स के डाइड के बाद उस बैक्टीरिया को वॉश किया जाता है डी कलराइजिंग सॉल्यूशन के साथ। स्टेप वन हुआ। और स्टेप टू है कि जब डाइड करने के बाद उस बैक्टीरिया को काउंटर स्टेन यानी सफ्रेनिन और फ्यूसिन के द्वारा में ऐड किया जाता है उसमें, तब जो बैक्टीरिया का कलर पर्पल हो जाता है, सेल वॉल, जिस बैक्टीरिया का सेल वॉल का कलर पर्पल हो जाता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाएगा, और जिस बैक्टीरिया का सेल वॉल का कलर पिंकिश रहता है वो बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो जाता है। तो यही था प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्लास से हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, दूसरों को मदद करें। धन्यवाद।